वार्ड पार्षद आशा शर्मा की ओर से सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला बिलासपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1021 नए मामले स्वीकृत हुए हैं। सामाजिक कल्याण विभाग की ओर से अब स्वीकृत हुए मामलों के तहत बकायदा लाभार्थियों को 3 माह की सामाजिक पेंशन भी मुहैया करवा दी गई है। विभागीय अधिकारियों की माने तो कल्याण विभाग की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाभार्थियों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मुहैया करवाया जाता है, ताकि कोई भी पात्र योजना से वंचित ना रहे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है। इसमें जिला बिलासपुर में जो हमारा लास्ट क्वार्टर था, इसमें 1021 मामले नए प्राप्त हुए थे, जिनको की सरकार ने बजट देके वो सारे मामले उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन उनके पक्ष में स्वीकृत हो गई है, जो कि एडवांस में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की पेंशन अभी 2 दिन पहले ही उनके खातों में जमा कर दी गई है। जिला बिलासपुर में कुल 47,536 मामले लास्ट क्वार्टर में थे, लेकिन अब ये बढ़ के जो है वो 48,191 मामले हो गए हैं, और प्रत्येक क्वार्टर में लगभग 19 करोड़ रुपए की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जो है वो विभाग खर्च कर रहे हैं। और जिला बिलासपुर में आज की डेट में कोई भी मामला जो है वो सामाजिक सुरक्षा के लिए लंबित नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली का प्रोसेस है। दिल्ली कोई ना कोई मामला हमारे पास आता है, लेकिन जो लास्ट क्वार्टर के पेंशन के मामले थे, सभी जो है उनके पक्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत हो गई है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।